है एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा 1996। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। और आज तारीख है 29 और टाइम हो रहा है सुबह का अभी 11:30। और बस वीडियो एडिटिंग करी, अपलोड करा है और चाय पिया है और अब बस नहा के आई हूँ, सर धुला है क्योंकि आज संडे है और गर्मी हो रही है। और अनिका भी नहा चुकी है, उसको मैंने दवाई खाना सारा हो गया उसका और अब मैं भी खाना खाऊंगी क्योंकि सुबह से बस चाय पिया था तो भूख लग रही है मुझे। और कल है पूजा बरसात की और आज उसी का सारा सामान मतलब आ चुका है जो जो लगेगा। और भाभी की पहली बरसात है कल, तो बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। और आज देखते हैं वीडियो कब तक बन, ब्लॉग कब तक चलता है और क्या क्या होता है, तो बने रहिएगा। और चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। और घर पे आए हुए हैं मेहमान, यानी कि भाभी के पापा आए हैं और नाना जी आए हैं, तो अभी हम आपको दिखाएँगे। और अब जस्ट अभी आए हैं वो लोग, तो चलिए गाइस बने रहिए। गाइस प्लीज़ एंड तक बने रहना। तो यहाँ पे शादी के बाद नाना जी उनकी पहली बार आए हैं, तो भाभी थोड़ा इमोशनल भी थी। और आगे देखिएगा मेरे साथ में ना इतनी ज़बरदस्ती हो रही है काजल लगाने में, आपको बहुत मज़े आएंगे, देखिएगा। देख लो बदतमीजी, सावित्री की पूजा है यानी कि बरसात, जो अपने सुहाग के लिए पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है, तो उसको हाँ तो पता का है ना यार, 5 साल व्रत रहे हैं और भाभी का पहला है, तो देखते हैं वो कैसे रहेंगी। तो हाँ भाभी के वहाँ होता नहीं था, वो फर्स्ट बार यहाँ मतलब मेरे वहाँ मायके में होता है, भाभी के मायके में होती नहीं थी ये पूजा, तो उनको नहीं पता है। तो भाभी की पहली पूजा है ना ये, ए बच्चों, तो भाभी की पहली पूजा है, तो उनकी पूजा में बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं, तो हम आपको दिखाएंगे अभी क्या क्या लगेगा। तो पापा कल ही लेके आए थे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो भाभी का पहला है बरसात पूजा, तो भाभी में ये जितने भी बर्तन है ना मिट्टी वाले, ये सारे बर्तन भाभी पूजा मतलब करेंगी, इनमें सारा मतलब भर के, और भाभी को पूजा करनी है। और ये इसके दिए, और ये इसको पता नहीं मिट्टी बोलते हैं, अरे मिट्टी के बर्तन है, और ये सारे के सारे भाभी को ही पूजा करनी है इनकी। तो कल पापा सारा कुछ ले आए थे, और आम लगेंगे इसमें कच्ची वाली आम, और इनको कल कलर किया जाएगा, तो पूजा करेगी कल सिस्टर हमारी करेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे कलर करती है। और आज संडे था इसलिए हो नहीं सकता था, नहीं तो आज ही दिखाते। और कुछ कुछ काम हो गए हैं, यानी कि माला बन गई है और ये बर्तन आ गए हैं मिट्टी के। और क्या आया है भाभी? और और इतने सारे खरबूजे आए हैं, धागा दिखा चुके हैं। और यहाँ पे बनने जा रहे हैं पापड़, ये भाभी बनाने जा रही है यहाँ पे। भाभी हेलो बोल दो। हाँ तो भाभी और पूजा बनाएंगी यहाँ पे बैठ के, अभी पापड़ बेलेंगी, पूजा बेलेंगी, भाभी नहीं पूजा लोई बनाएंगी, भाभी बेलेंगी और हम वीडियो बनाएंगे। इधर पूजा मैडम हो रही है तैयार। और पता है अभी हम प्रियंका के घर पे गए थे, वहां पे इस कदर हमारे काजल लगाया गया है, एकदम भूत बना दिया हमको। यहाँ घर आए तब हमने फेस वॉश करा है,
और हमारे फेस पे इतने सारे पिंपल्स आ गए हैं इस टाइम पे, इतने गर्मी की वजह से इतने सारे हो रखे हैं ना कि बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है मेरे फेस पे। तो यहाँ पे पूजा तैयार हो रही है पापड़ बेलने के लिए। तो चलिए गाइस फिर बने रहिए। तो यहाँ पे भाभी और पूजा पापड़ बना रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी काली दाल यानी कि उड़द की दाल, तो वो बनाऊँगी। तो ये पानी लेने के लिए मैं गई थी और दोनों भाभी और नंद बना रही हैं उधर पापड़। तब तक मैंने सोचा खाना बना लूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और भाभी फिर पापड़ बना के उड़ती फिर खाना बनाती तो परेशान सी हो जाती। तो मैंने सोचा मैं फ्री हूँ तो मैं बना लेती हूँ खाना। तो वही है। तो गाइस वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए देखिए भाभी ने कैसे पापड़ बनाए हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गाइस यहाँ पे पापड़ डाल दिए गए हैं सूखने के लिए, यानी कि पंखे की हवा में आराम से सूख जाएंगे और कल मॉर्निंग में इनको। उधर पापड़ बन चुके थे और हमारी इधर दाल भी बन चुकी थी, अब हम दाल में लगाएंगे छौंका। तो उड़द की दाल में हमारे वहाँ सिर्फ छौंका ही लगता है और उसको क्या कहते हैं, सिर्फ लहसुन और मिर्च से और हींग डाल के ही छौंका लगा देंगे हम, बस वो भी चिमचे में ऐसे करके और छौंका लगा देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। उड़द की दाल में सिंपल सी रहती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और थोड़ी से हम बनाएंगे आलू की भी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे दाल सिर्फ खाई खाई नहीं जाती है, मुझसे तक सब्ज़ी नहीं होती है, मुझसे दाल नहीं खाई जाती है और अनिका भी नहीं खाती है। तो आलू हो जाते हैं तो वो खा लेगी और मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं हींग डालने जा रही हूँ, लहसुन मैंने काट लिया है और दो सूखे लाल मिर्च डालूँगी, उसी से छौंका लगा दूँगी। और पूजा इधर कढ़ाई दे गई है मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए आलू की सब्ज़ी। तो पूजा ने सब्ज़ी कट कर दी थी पहले से ही और चावल भी साफ किए हुए रखे हुए थे। दाल मेरी बनी कि जैसे आप लोगों ने देखा ही, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि सब पूरा खाना कैसा बना है मेरा। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कल को लेके, क्योंकि व्रत है ना और मुझे बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं शायद इतना काम में भी बिजी थी, खुद को बिजी कर रखा था मैंने। और होता है ना जब आप कुछ होता है और आप अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखते हो और फिर आपसे छूट जाता है या आपसे वो पूरा सिंगार छिन जाता है तो आप भी मिस करते हो। उसी तरीके से मैं मिस कर रही हूँ, मेरा सब कुछ, मेरा पूरा सिंगार चला गया। तो रेडी होती थी, 16 सिंगार करती थी, हर एक चीज़ था, लेकिन मैं व्रत रखूँगी अपने बाबू के लिए। और पता नहीं सबको कैसा लगे कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पर मेरा मन कर रहा है मुझे व्रत रहना है तो मैं रखूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, फिर मिलते हैं अभी। गाइस मेरे ये रहे आलू जो मैंने बना दिए हैं और ये रही हमारी काली वाली दाल जिसमें मैंने छौंका लगाया था, ये रही दाल। पानी थोड़ी ना हो चली ना, इसलिए लग रहा है। ये ऐसी है दाल, और ये रही रोटियां। और खाना सारा मेरा बन गया है, फिर अनिका लगा रही है यहाँ पे मेहंदी। और सबसे पहले पूजा अनिका के लगा रही है, फिर उसके बाद मैं मम्मी के लगाऊंगी। और सारे काम हो चुके, सभी ने खाना भी खा लिया है और अब लगेगी गाइस यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं मेहंदी। तो अभी मम्मी के सबसे पहले मेहंदी लगाएंगे और अनिका के लग गई है। मेरी मौसी ने लगाई है। तो चलिए मैं लगाने जा रही हूँ और रात के बज गए हैं 9 और अभी भाभी के भी लगानी है। तो बनी रहिए। यहाँ पे हम लगा रहे हैं अपनी मम्मी की मेहंदी। तो सबसे पहले मम्मी मना कर रही थी कि हम नहीं लगाएंगे, वो मेरे को लेके मना कर देती है ना कि हम नहीं लगा रहे हैं। इस वजह से मैंने कहा नहीं, एक साल बाद आता है मेहंदी लगाओ, मैं लगा दूंगी। और मैं किसी के सामने अब मतलब अपनी फैमिली के सामने मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती हूँ,
मेरे अंदर क्या चल रहा था, मैं अंदर ही अंदर मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन मैंने ऊपर से मम्मा को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, क्योंकि मम्मी वैसे भी मना कर रही थी कि मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, और मैं रोने लग जाती तो वो बिल्कुल भी मतलब कहती रहने दो मैं नहीं लगवाऊंगी। तो इसीलिए मैंने मम्मी की मेहंदी दोनों हाथों में लगा दी थी। फिर उसके बाद मैं भाभी की मेहंदी लगाऊंगी, भाभी तब तक खाना खा रही थी, तो भाभी भी खाना खा चुकी हैं यहाँ पे। फिर मैं आ गई भाभी के लगाने के लिए, और भाभी के लगा रही थी तब तक मुझे कॉल आया मेरी चाचा के घर से कि भाभी हैं वहाँ पे भी मेरी, तो उनकी भी मेहंदी लगानी थी, तो मैं यहाँ भाभी के लगा दूँगी, फिर वहाँ भी जाऊँगी लगाने के लिए और सबकी मेहंदी। तो देखिए सब लोग रेडी होंगी तो आपको दिखाएंगे भी, कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यही है, और मैं व्रत रखूं या ना रखूं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे आज व्रत वाले ही दिन ही आपको वीडियो मिलेगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे व्रत रखना चाहिए अपने बाबू के लिए कि नहीं रखना चाहिए, बट मैं रखूँगी, मेरा दिल कह रहा है। मैंने करवा चौथ भी रखा था बाबू के जाने के बाद, तो पता है मेरी ससुराल में मेरी सास ने जब मेरा वीडियोस देखा तो उन्होंने बहुत गंदा बोला था। मैं कभी दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने क्या बोला था, लेकिन मैं रखूंगी अपने बाबू के लिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं रखूँ। वो है नहीं मेरे, वो जहाँ भी हैं वहाँ से तो देख ही रहे होंगे जो भी है। तो यहाँ पे मेरे भाई फाइनली भाभी की मेहंदी लग गई है, और फिर मिलते हैं अभी हम आपको थोड़ी सी देर में। है एवरीवन, तो सबकी मेहंदी लग चुकी है, रात का 1:30 बज गया है। मेहंदी मैं 11 बजे लगा के फ्री हो गई थी, भाभी के लगाया, मम्मी के लगाया, और दूसरी भाभी थी उनके भी लगाया, क्योंकि कल व्रत। मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, मैं 1 घंटे से बराबर रो रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अपने बाबू की याद आ रही है। मैं भी व्रत रखती थी, और इसी महीने में मेरे बाबू गए मई में ही, और इसी महीने में पड़ती है, बाबू के जाने के बाद भी 15 दिन बाद पड़ी थी, और इस बार भी सेम वैसे ही बाबू के जाने के बाद 20 दिन बाद आ गई बरसाइत पूजा। नींद नहीं आ रही है, 1 घंटे से बराबर रो रही हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अनिका भी बोल रही है मम्मा कल आप भी पूजा करोगी। बहुत सी पुरानी बातें हैं जिनको याद आई जाती है यार, कितना भी आप नहीं याद करोगे फिर भी आती है। क्यों होता है यार ऐसा, अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। एक एक दो दो बच जाता है, नींद नहीं आती, बहुत बुरा सा लगता है। सभी लोग सो रहे हैं, अनिका सो रही है, चलिए फिर इस वीडियो को हम इतने टाइम ही एंड कर देंगे, और कल नया ब्लॉग लेके आएंगे। भाभी का पहला बरसात पूजा है, तो वो कैसे रेडी होती हैं, कैसे क्या है, सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। मैं तो बहुत रेडी हो ली, बहुत पूजा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया।